मंत्री, और जिसको मैंने एनएसी के बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के दिन में मैं मानता हूँ, ऐसे गृह मंत्री हैं हमारे बीच में राजनाथ सिंह जी, और मंच पे बैठे सभी महानुभव, और मेरे नॉर्थ ईस्ट से और भारत के अलग अलग प्रांत से सभी भाई बंधु, मेरे मित्रों, और विशेष करके मैं सुनील जी को बधाई देता हूँ और माई होम इंडिया के टीम को बधाई देता हूँ। सुनील जी ने ऐसा एक दिन चुना है आज, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के पुण्य जन्म तिथि है, और हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट वासी इसमें गर्व करते हैं। वो संगीतकार हो, एक्टर हो, और इस जगत में वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, नाम है, तो उस दिन को उन्होंने चुना है, इसलिए मैं माई होम इंडिया के प्रेसिडेंट इनको बधाई देता हूँ, पूरे टीम को बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ ये जो त्रिपुरा में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, 1.25% 2013 के असेंबली में था, उसके बाद सीधा इतने बड़े जीत, ये बीजेपी के पूरा टीम तो था ही, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो टीम है, साथ ही साथ यहां बैठे हुए सभी मंत्रीगण त्रिपुरा में, कैसे हर्षवर्धन जी तो दो बार गए हैं, जयंत सिन्हा जी दो बार गए हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी कितने बार त्रिपुरा में गए हिसाब नहीं है, तो पूरे मंत्री परिषद त्रिपुरा में लगे हुए थे, और विशेष करके माई होम इंडिया की टीम ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का काम छोड़ के लास्ट 6 मंथ सब लोग बैठ गए थे वहां, दूर दूर से, कहीं कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से, कोई पूरे देश से आके त्रिपुरा को मुक्त कराना है, त्रिपुरा वासी को मुक्त कराना है। त्रिपुरा वासी आपके प्रति आभारी है, आप लोगों ने सब ने तन मन धन से त्रिपुरा को मुक्त कराया है, मैं जीवन भर आप लोगों के प्रति आभारी रहूंगा त्रिपुरा वासी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने पूरे समय दिया है और इतने मेहनत किया है त्रिपुरा में। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है माई होम इंडिया का जो आज भी त्रिपुरा में है, काम कर रहा है, मैं सुनील जी को नमन करता हूँ, उन्होंने त्रिपुरा को अपनाया है और त्रिपुरा को इतने बड़ी जीत दिलवाने में, और विशेष करके जीत के मैं नहीं बोलता हूँ, त्रिपुरा का लोगों को मुक्ति मिली है, एक एक अध्याय से मुक्ति मिली है लोगों को, आज लोगों को सांस छोड़ पा रहा है, पहले तो सांस छोड़ने के लिए भी पूछना पड़ता था। मैं, यह समय कम है, मैं माई होम इंडिया के बहुत कार्यकर्ता को, सब अधिकारी को मैं जानता हूँ, आप लोग आइए, जैसे त्रिपुरा के साथ जुड़े हुए थे वैसा ही जुड़े हुए रही है, और त्रिपुरा के हित के लिए, त्रिपुरा को डेवलपमेंट के लिए, नया त्रिपुरा बनाने के लिए, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए, आपका त्रिपुरा सबसे श्रेष्ठ हो, मैं नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य श्रेष्ठ हो, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अष्ट लक्ष्मी देखना चाहता है, किंतु मैं साथ साथ ये कहता हूँ, मेरा त्रिपुरा माई होम इंडिया का सबसे प्यारा त्रिपुरा होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए, जैसे दिल में रखा वैसा ही रखिए, और त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाइए। मैं आपका साथ देने के लिए बैठा हूं, उस काम में आप लोगों ने बैठाया, मैं निष्ठा से वो काम करूंगा। मैं कभी भी नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी और संविधान और त्रिपुरा की जनता के साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगा, ये मेरे को पार्टी ने सिखाया है, निष्ठा मेरे अंदर है, बस आप लोग साथ जुड़े रहे, निश्चित त्रिपुरा एक दिन सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा बनेगा, और नॉर्थ ईस्ट पूरे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो अष्टलक्ष्मी बनते रहेगा, ये बोल के मैं अपना वाणी के विराम देता हूँ। जय हिंद।